इस वीडियो में हम जानेंगे जाति क्या है, जाति प्रमाण पत्र क्या है, जाति प्रमाण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, जाति प्रमाण पत्र के आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं, जाति प्रमाण पत्र आवेदन की पूरी प्रक्रिया ई मित्र पोर्टल पर, जाति क्या है, कास्ट जाति भारत में जीवन में व्याप्त सामाजिक विभाजन की जटिल प्रणाली का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जाति प्रमाण पत्र क्या है, एक जाति प्रमाण पत्र एक विशिष्ट जाति से संबंधित का प्रमाण है, जाति प्रमाण पत्र के प्रकार सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसमें बोनोफाइड प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, BSNL लैंडलाइन बिल और सरकारी नौकर सत्यापन आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए दिए गए डाउनलोड लिंक को ओपन करें व ई मित्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और एप्लीकेशन फॉर्म कॉलम में डाउनलोड बटन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करें। शपथ पत्र, अन्य दस्तावेज जैसे पिता भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र। ध्यान रहे, आवेदन शुरू करने से पहले सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में तैयार रखें। लेट्स स्टार्ट लाइव। इंटरनेट ब्राउजर पर emitra.rajasthan.gov.in पर विजिट करें। यहां राइट अपर कॉर्नर में लॉगिन पर क्लिक करें। SSO ID व यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें व कैप्चा कोड डालें। लॉगिन पर क्लिक करें। डैशबोर्ड पर ई मित्रा आइकन पर क्लिक करें। सर्विस पर क्लिक करें। अवेल सर्विस पर क्लिक करें व एप्लीकेशन पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में कास्ट टाइप करें। आवेदनकर्ता जिस जाति के लिए आवेदन करना चाहता है उसका चयन करें। यहाँ भामाशाह ID, आधार ID या ई मित्र पंजीकरण संख्या एंटर करें। यदि आवेदक के पास भामाशाह ID या आधार ID नहीं है तो नए ई मित्र पंजीकरण हेतु यहां क्लिक करें। आइए भामाशाह ID द्वारा आगे बढ़ते हैं। आवेदककर्ता की भामाशाह ID यहां दर्ज करें। आगे बढ़ी पर क्लिक करें। यहां भामाशाह परिवार में से आवेदनकर्ता के नाम का चयन करें व डेटा लाइव पर क्लिक करें। यह जानकारी आवेदनकर्ता की भामाशाह ID से फैच कर ली गई है, इसे सुनिश्चित करें। अब आधार ID द्वारा आगे बढ़ते हैं। आवेदनकर्ता की आधार ID यहां दर्ज करें। आगे बढ़े पर क्लिक करें। यह जानकारी आवेदनकर्ता के आधार ID से ले ली गई है, इसे सुनिश्चित करें और फैच एड्रेस पर क्लिक करें। आवेदनकर्ता का वर्तमान पता सुनिश्चित करें। यदि आवेदनकर्ता का वर्तमान पता स्थायी पते के समान है तो चेकबॉक्स चेक करें। सेव पर क्लिक करें। यह ई मित्र पंजीकरण ID नोट कर लें। आवेदनकर्ता जब कभी अन्य फॉर्म के लिए आवेदन करता है तो यह काम आएगी। अगला पर क्लिक करें। जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र को भरें। ध्यान रहे, लाल निशान वाले कॉलम भरने अनिवार्य हैं। यहाँ आवेदनकर्ता के पिता का नाम दर्ज करें हिंदी में।
आवेदनकर्ता के जन्म का स्थान दर्ज करें, वैवाहिक स्थिति का चयन करें, धर्म का चयन करें, आवेदनकर्ता की जाति का चयन करें, उपजाति का चयन करें, आवेदनकर्ता के पिता के धर्म का चयन करें, पिता की जाति का चयन करें, पिता की उपजाति का चयन करें। यहाँ क्या आवेदनकर्ता या उसका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं, हाँ या नहीं का चयन करें। आवेदनकर्ता ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति धर्म का अंकन कर रखा है। आवेदनकर्ता के वर्तमान पते की जानकारी दें। पता अंग्रेजी में डालें, पता हिंदी में डालें। स्थायी पते को सुनिश्चित करें। यदि आवेदनकर्ता सुनिश्चित करता है कि उपरोक्त विवरण उसकी जानकारी एवं विश्वास में सही है तो चेक बॉक्स चेक करें। संलग्न की सूची में आवेदनकर्ता अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। एड्रेस प्रूफ अपलोड करने के लिए दी गई सूची में से दिए गए विकल्प में आप जो दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं उसका चयन करें। वोटर आईडी अपलोड करने के लिए ईपीआईसी नंबर दर्ज करें। चूज फाइल पर क्लिक करें। यह जानकारी आपके वोटर आईडी से फेच कर ली गई है। ऐड पर क्लिक करें। अदर डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट का चयन करें। अदर डॉक्यूमेंट डिटेल दर्ज करें, जैसे फादर, कास्ट सर्टिफिकेट। चूज डिटेल पर क्लिक करें व डॉक्यूमेंट्स का चयन करें। ऐड पर क्लिक करें। एप्लीकेशन फॉर्म का चयन करें। डॉक्यूमेंट्स नेम में दस्तावेज डिटेल दर्ज करें। चूज फाइल के द्वारा डॉक्यूमेंट्स का चयन करें व ऐड पर क्लिक करें। एफिडेविट का चयन करें। कंसर्न और एफिडेविट ऑफ नोडल ऑफिसर में डिटेल्स दर्ज करें। चूज फाइल के द्वारा एफिडेविट फाइल का चयन करें। ऐड पर क्लिक करें। संलग्न की सूची में अपलोडेड दस्तावेजों को सुनिश्चित करें। सेव पर क्लिक करें। क्या आप इस फॉर्म को सहेजने के लिए सुनिश्चित हैं? यदि हाँ तो ओके पर क्लिक करें। ई फॉर्म डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है, ओके पर क्लिक करें। भुगतान करने से पहले एप्लीकेशन के विभाग और कार्यालय को सुनिश्चित करें। भुगतान करने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करें। भुगतान विवरण में डिपार्टमेंट चार्ज सुनिश्चित करें व भुगतान के लिए बिल जोड़े पर क्लिक करें। यहाँ भुगतान का संपूर्ण ब्यौरा दिया गया है, इसे सुनिश्चित करें व भुगतान पर क्लिक करें। व्यक्तिगत विवरण में आवेदनकर्ता अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी दर्ज करें व दिए गए विकल्प में से जारी रखे पर क्लिक करें। भुगतान करने के लिए ई मित्र द्वारा दिए गए ऑप्शन जैसे वॉलेट, डिपार्टमेंटल चेक, ई मित्र चेक और माइक्रो एटीएम, मैं वॉलेट का चयन कर रहा हूँ। पे बाय वॉलेट पे क्लिक करें। जाति प्रमाण पत्र के लिए भुगतान स्वीकार कर लिया गया है। आवेदन का रेफरेंस नंबर व रिसिप्ट नंबर नोट कर ले। आइए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया दोहराते हैं। emitra.rajasthan.gov.in में जाएं और अकाउंट में प्रवेश करें। डैशबोर्ड से emitra का चयन करें। अवेल एप्लीकेशन में सर्विस का चयन करें। सर्च बॉक्स में कास्ट टाइप करें। आप जिस जाति के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें।
अपना आईडी जैसे भामाशाह आईडी, आधार आईडी या ई मित्र पंजीकरण संख्या दर्ज करें। अपनी मूलभूत जानकारी, वर्तमान पता व स्थायी पते का विवरण दर्ज करें। जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र में आवेदक संबंधी सूचना भरें। अपने दस्तावेज अपलोड करें जैसे एड्रेस प्रूफ, आवेदन पत्र, शपथ पत्र आदि। शुल्क राशि का भुगतान करें। धन्यवाद।